फाइनली उसका रिश्ता पक्का हो गया उसके पसंद के लड़के से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उस शादी के लिए इसलिए मान गई क्योंकि उसके फैमिली ने उसे कहा था। टे हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती है, उनका हर एक कहना अच्छे से मान लेती है। छिया, इतनी घटिया सोचे तेरी। हाँ टे, देख तुझे लगता है कि तू इतनी जल्दी शादी करके भाग जाएंगी और तेरी मम्मी पापा हैप्पी हैप्पी करके रह लेंगे, ऐसा है क्या? वो सब छोड़, ये ले। ये क्या है? मेरी शादी का खान। ओ मैडम, अभी तो मुझे प्रवचन दे रही थी, अब तेरा क्या हुआ? हाँ मतलब तू शादी कर सकती है और मैं नहीं। ओके मेरी माँ, वैसे मैं जिस बंदे से शादी करी ना उससे मैं प्यार करती हूँ, और तू जिस बंदे से प्यार भी नहीं करती ना उससे शादी करी है। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। हाँ होगी मेरी शादी की उम्र, अब उनकी पसंद के लड़के से मैं शादी करी थी, इसमें बुरा है? ऑफ कोर्स बुरा है। तू उस बंदे को ढंग से जानती नहीं, उससे शादी करी है सीरियसली। अब ये ले मेरी शादी का हार्ड, मम्मी से मैंने बात कर ली तेरी कि तू एक हफ्ते के लिए मेरे घर में रुकने वाली है। वैसे भी तेरी शादी को तो टाइम है ना, तो मेरी शादी अच्छे से एंजॉय करेंगे दोनों, है ना? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। ओके ओके मैं जा रही हूँ, और हाँ तू जल्दी आइयो मेरे घर में, वरना मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में बिल्कुल ना हो, वरना मैं तेरा कत्ल कर डालूंगी। ओके ठीक है, समझ गई। ये लड़की ना, तुम जानती हो ना एक महीने के बाद तुम्हारी शादी है। हाँ पता है, पर जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमसे बात करके गई। मम्मा ऐसे मत कीजिए। जाने दो जिन, तुम्हें तो पता है ना टे हमारे समझदार है, और जिमिन को तो हम जानते हैं, वो उस बच्चे की शादी की हेल्प करेंगी। और ओजी ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन कहाँ रहती है आपको पता है ना। और दूसरी बात ये कि अगर किसी वजह से इसके घर वालों को पता चला कि हमने शादी से पहले लड़की को बाहर भेजा तो क्या कहेंगे हमें? हमें कहेंगे कि जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे ऊपर। हमारे मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पर कोई भी दाग लगे शादी से पहले, आप समझ रहे हो ना? मैं समझ गया, पर मेरी डे बिल्कुल जाएंगी। हाँ मैं जाऊँगी, प्लीज़ पापा समझाइए ना, और पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं ना एक वीक में आ जाऊँगी वापस, प्लीज़ मॉम प्लीज़। ओके मेरी लाडली, मुझे पता है, पर मुझे थोड़ा सा मॉम प्लीज। अच्छा ठीक है, इमोशनल मत कर मुझे। पर टे जाने से पहले ये ध्यान रखना कि तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है। ओके हाँ मॉम, मैं समझ गई हूँ। प्लीज अब ये ड्रामा बंद कीजिए और मुझे पैकिंग करने दीजिए, ठीक है? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है जिमिन, मैं आ रही हूँ। हट जा यहाँ से, हाँ दिख नहीं रहा। और मामा आपको पता है ना कब से मैं इंतजार कर रही हूँ, दिख नहीं रहे टे कहाँ पर है? आ रही होंगी तेरी बेस्ट फ्रेंड, अरे ट्रेन में होंगी, नहीं तो गाड़ी में होंगी, नहीं तो पहुँच भी गई होंगी आंटी। अरे बेटा तुम्हें देखा सच में, हाँ लास्ट बार देखा था जब तुम बिल्कुल छोटी थी, इतनी सी। सच में आपको याद है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि तुम तब बहुत छोटी थी बेटा। वैसे ये लो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कब से तुम्हारे नाम के लारे लगाए जा रही है, और मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं किया इसने। ओ मम्मा अब मेरी फ्रेंड आ गई ना, अब तो फुल मेकअप। चल चल जल्दी तुझे रूम दिखाती हूँ। करके जाएगा तू, और ये रख दे। हाँ, समझ नहीं रहा रे क्यों क्या हो गया। एक्चुअली बात ऐसी कि नहीं छोड़ बता, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तू मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ वो एक्चुअली टीना के साथ थोड़ा सा मतलब ऊंच नीच हो गई, मैंने गलती से ड्रिंक में से उसे किस कर दिया था यार। अब वो मुझे धमकी दे रही है कि अब तुम ये शादी मत करो, क्या करूँ मैं? ऐसे थोड़ी क्या होता है। ओके ओके टीना को मैं हैंडल कर दूंगा, तू अपनी शादी को हैंडल कर। अगर जिमिना को तुझे ये बात पता चली ना तो वो तेरा कीमा बनाकर अपनी शादी में परोस देंगी। ओके धमकी दे रहा है क्या, दिलासा दे रहा भाई, चल चल वरना टाइम हो जाएगा। जिमिन और शुगा की शादी एक लव मैरिज है, और वो लोग चाहते थे कि उनके शादी की हर एक रस्म उनके साथ हो। जंगकुक की उम्र 24 इयर्स ओल्ड है, और वो अपने दोस्त की इस शादी को अटेंड करने के लिए आया है। हालांकि अभी जंगकुक सिर्फ कॉलेज कर रहा है, पर उसके सपने और भी बहुत बड़े बड़े है। हाय रब्बा मर जावा, काफी सोनी लग रही तू। ओके ओके तेरी को किसी की नजर ना लगे। जिमिन तो जानते हैं ना मैं ऐसे ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं करती हूँ, ये सब बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आ
आज हमारी हमारी फर्स्ट नाइट की पार्टी है। शुगा भी है और उसके सारे रिलेटिव्स हैं। और मेरी फ्रेंड ऐसी झकमेली जैसी जाएंगी, अच्छा लगेगा क्या? मेरी तो इज्जत रख ले बहन, प्लीज अब चल जल्दी। वाओ भाभी कहाँ है? बता जल्दी, मिलना है मुझे। एक मिनट देख चुका है तो, और तब भी पूछ रहा है कि कहाँ पर है। चल चल मैं देख लूंगा। तेरी तो जी मैंने आपको लास्ट बार देखा था, तब अच्छी खासी थी, अब पता नहीं कैसी होंगी। तो ओके चल, जब तू ढूंढ सकता है अपनी भाभी को, लेट्स गो। ये बहुत ज्यादा शोर वाला है जगह है, पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ तो। और ये जिमिन मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गई? तो टेकी ड्रेस काफी ज्यादा शॉर्ट होने की वजह से उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो अपनी ड्रेस को अच्छे से करने जा रही थी, अचानक से उसके पीछे का हुक नीचे गिर जाता है और ये टेक को पता भी नहीं चलता। आखिरकार तुम मिल गए, सच में स्टूपिड हो गया हाँ? कहाँ पर ढूंढ रही थी तुम्हें? आई नो बेबी, एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर था। आई एम रियली सॉरी। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बाद में कहना। डांस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, चलो ना डांस करते बेबी प्लीज। ओके भाभी वाह, काफी ज्यादा ढूंढा आपको। यू आर सो मच सेक्सी। स्टूपिड, आई एम नॉट योर भाभी। वेल यू आर सो मच हैंडसम, कैन यू डांस विद मी? नहीं वो एक्चुअली आई एम गो टू, ओके मुझे मेरे भाभी को ढूंढना है। ओके बाय बाय, आपसे बाद में मिलता हूँ। थक गया हूँ मैं, क्या करूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, यहाँ पर तो वो भी नहीं मिलेगा। तो पागल हूँ क्या? क्लब में कौन कॉफ़ी मांगता है? ए भाई ड्रिंक लगा, काफ़ी ज़्यादा कड़क है। जी मुझे पानी चाहिए था, एक मिनट। मैडम पानी? या ऑफ कोर्स। हेलो हाय, आई एम जंकुक। जी शुक्रिया आपका पानी के लिए। एक मिनट रुको रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। देखिए आप मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आई नो तुम ऐसी नहीं हो, ये तुम्हारा वो एक्चुअली है। कहाँ जा रही हो तुम? जिमिन कहाँ गई? ये लड़का मेरा पीछा करे, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। मामा ने कहा था मज्जा, और ये जिमिन मुझे अकेला छोड़कर कैसे रह सकती है? बेबी आई लव यू सो मच। वैसे डांस काफी अच्छा है ना? एक मिनट मैं भूल गई, टी को ढूंढना है। अबे टी कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मैंने यहाँ पर लाया था, पता नहीं कहाँ गई, ढूंढना पड़ेगा ना। ओके चलो साथ में ढूंढते हैं। टी जंगकुक से डर कर जाने वाली होती कि जंगकुक टी का हाथ पकड़ कर अलग साइड में लेकर आता है। उफ यार का कितना दौड़ाऊंगी। वो एक्चुअली तुम्हारा, मैं थक गया सच में। अब देखिए मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। क्या कहा तुमने? हाँ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई तो मैं क्या करूँ? तुम्हें शादी में भंगड़ा करने के लिए आओ? बट वो भी नहीं आता मुझे, क्योंकि दिस इज इंडियन डांस। ओके और एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, तुम लगती तो नहीं हो। वेल आई डोंट केयर, तुम्हारे पीछे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा वैसा मत करो। जंगकुक टे के बिना बात सुने टे को अपने करीब लाता है और उसके पीछे का हुक बंद कर देता है। हाँ ये था तुम्हारे पीछे का, मतलब तुम्हारी बैक साइड पूरी दिख रही थी। वाओ तुम्हारा आप, थैंक यू टे। जंगकुक की भाभी मिल गई आप, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे आप गायब हो गई थी ना? और नालायक, पहली बात है कि तुम मेरी फ्रेंड को इस कॉन्टे में क्यों लाए? वो एक्चुअली आपकी फ्रेंड को पूछो, बहुत ज्यादा दिमाग खाती है। वेल शुगा चल यहाँ से, मुझे तो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं अब। हाँ चल भाई जिमिन चले। हाँ ठीक है, ते तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो एक्चुअली बस हुक निकल गई थी। ओह सॉरी, मैं तुझे अकेला छोड़ दिया। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अब चल। आफ्टर 5 दिन के बाद वो दिन आ जाता है जब जिमिन और शुगा की फाइनली शादी होने वाली थी। वैसे आंटी आप भी काफी ज्यादा मान रही हैं। ओए शर्म नहीं आती माँ की उम्र की औरत को छेड़ रहा है? निकल यहाँ से। ओके किसी को तो हजम ही नहीं होता मेरी बात। एक मिनट, मैंने इसे कहीं देखा है। ओह याद आ गया, हुक वाली लड़की। क्या करूँ, इग्नोर कर लेता हूँ। नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकता हूँ ना,
चाह कर देखता हूँ क्या करी है। दो दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर वही मेरी जिंदगी। घर पर रहना और अपनी शादी के दिन का इंतजार करना। मुझे भी मेरी जिंदगी जीनी थी तो मैं हेल्प करो। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आओ, एक्चुअली मैडम मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकती हो और मैं तुम्हारा फायदा बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। बिकॉज आई डोंट लाइक दिस गर्ल। तुम तो बिल्कुल नहीं। जाओ तुम भी। ओ सच्ची, प्रॉमिस मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। वैसे मैं कह रहा था कि नीचे काफी ज्यादा शानदार प्रोग्राम चल रहा है, चलूंगी क्या? यही पर रूम में आईने के सामने बात करना है। वेल तुम कर सकते हो। ओके भाई। नहीं नहीं, आ रही हूँ, एक मिनट। ये क्या पहन रही हो री? किसी को पता चलना चाहिए कि तुम इंगेज हो। वाह, चलो जल्दी। तुम्हारी शादी की बर्बाद होने की सिर्फ एक रात बाकी है। चलो पार्टी करते हैं। इसकी तो शुगर कहाँ से ला दे ऐसे दोस्त। चलो ना जीवन, पार्टी करते। लेट्स गो। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के बाहर आकर इतनी सुंदर पार्टी को एंजॉय करी थी, क्योंकि उसने अभी तक ऐसी पार्टीज और ऐसे शोर शराबा कभी नहीं सुने थे और न ऐसे दोस्तों के साथ वो कहीं बाहर घूम रही थी। आज वो दिल से एंजॉय करी थी इस पार्टी को, जैसे जंगकुक देखकर उसकी काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि टे आफ्टर ऑल मैरिड होने वाली है। तुम्हें मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो तुम्हारी लाइफ का करो, जो कि तुम्हें यहाँ तक लाई और हो सकता है कि कल जाकर कहीं और लेकर जाए। मैं इस पल को जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या? मुझे ये सब बहुत ज्यादा पसंद आ गया। मुझे ये सब सच में बहुत पसंद है। शुक्रिया तुम्हारा। ओके ओके, कुछ पियूंगी, चलो मेरे साथ। तो ये जंगकुक मेरे और शुगा के बीच में आने वाला है। अब देखना इसके साथ मैं क्या करती हूँ। टीना, जो कि जंगकुक और शुगा दोनों को पहचानती थी, वो शुगा के पीछे इसलिए लगती है क्योंकि वो शुगा की प्रॉपर्टीज को हड़प सके। टीना ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि जंगकुक के होते हुए शुगा उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो किस वाली सारी फोटोज फेंकती टीना ने एडिट की थी। शुगा उस रात ड्रंक होने की वजह से टीना की हर एक बात को सीरियस ले लेता है, और इसी वजह से टीना जंगकुक से बदला लेने के लिए जंगकुक और टे के ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला देती है। काफी ज्यादा खट्टा था ये, क्योंकि तुम्हें इसका टेस्ट पता नहीं ना, इस वजह से तुम्हें ये लग रहा है। डोंट वरी, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं ना। वो तो मुझे भी आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हाँ, मुझे सच में नींद आ रही है, मुझे कहीं लेकर चलो। ओ, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। आ जाओ मेरी गोदी में। तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा फायदा उठा लोगे। अगर मैंने उठाया तो तुम मना तो नहीं करूंगी ना? मना नहीं, नहीं करूंगी। मुझे लेकर चलो ना प्लीज। ओके। क्या पर टाइम निकले जा रहा है ना हमारी शादी। एक मिनट, फादर फोन करती हूँ। हाँ, जंगकुक भी नहीं दिख रहा ना मुझे। मुझे भी फोन करना पड़ेगा। पता नहीं आखिर ये कहाँ पर ही तो, और पता नहीं आखिर ये दोनों गए कहाँ। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा ड्रंक की होंगी और कहीं पड़े होंगे। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। जी मीन, हमें शादी का मुहूर्त निकल जाएगा ना बेबी, प्लीज शादी करने के बाद ढूंढते हैं उनको। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। कुछ घंटों के बाद जिमिन और शुगा की शादी पूरी कंप्लीट हो जाती है। टीना अपने प्लान से हार कर वो अपने घर पर वापस चली जाती है, बट फाइनली टेक एक हो जाते हैं। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हें कुछ कहना था। आई नो, तुम्हें मुझसे ये कहना था ना कि टीना ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था फेक फोटोज दिखाकर। मैंने तो देख लिया था, बट प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने फेक फोटो तुम्हारे साथ एडिट की। प्रॉब्लम ये थी कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैं बता रहा था जिमिन, सच में वो तो अच्छी बात है कि जंगकुक मेरे साथ था। उसने मुझे सारी बात बताई कि टीना ने कैसे एडिट करके वो तुम्हें ब्लैकमेल करी थी। ओ जंगकुक, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे है कहाँ वो?
ढूंढना पड़ेगा ना अब तो, चलो। I'm sorry, dear, please. मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ए प्लीज, सारी गलती मेरी है, मैं जानता हूँ, और इसको मैं सुधारना चाहता हूँ। हम शादी कर लेते हैं। शादी? मेरी शादी फिक्स है, और मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। आपने इतना सब कुछ किया, थैंक यू वेरी मच। अब इसे मैं तेज से मिलना चाहता हूँ। तेज से? पर अभी? अरे मिलने दीजिए ना, वैसे भी शादी तो होने वाली है ना। अंदामा जी आप मिल सकते जाइए। थैंक यू सो मच। तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारी शादी है, पर मैं तुमसे, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। I'm so sorry, please. And I know कि तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की वजह से अगर बाई चांस ये शादी हमारी होगी ना, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, ना ही तुम शायद। मैं तुमसे हाथ जोड़कर, प्लीज इस शादी को मत करो। मैं जीहोब से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज टे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। टे चलो जल्दी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा बेटा, चलो जल्दी। अब मुझे माफ कर देना टे। Now your husband and wife, please enjoy your life, okay? Celebration. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। Oh no, शादी हो गई। भाभी शुगा, उन्नो, हम बहुत ज़्यादा टाइम से आ गए, ये क्या हो गया? ते, ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर, देखो ये मैं यहाँ पर हूँ। ते के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ एक मिनट, और तुम मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली बात ऐसी कि, दरअसल बात ऐसी कि बेटा, हमने टेप पर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की, पर हमेशा वो अकेली रहती थी, और इस वजह से उसने हमारी बात को यूँ हाँ कर दिया। पर शायद दोनों बच्चों को
इस शादी से इतराज था, इसलिए इन दोनों ने इस शादी को करने से मना कर दिया। और आज अब जिसे शादी कर रहा है वो उसी का प्यार है। आयो क्या सच है तुम्हारी शादी नहीं है? आई लव यू। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ओए नाला एक झूठ क्यों बना? अच्छा खासा एड्रेस लेकर तो हमें यहाँ पर पहुँच गए थे। भाभी बोलना पड़ता है। ते सच में आई लव यू। एक मिनट दे, तुम उसे प्यार तो करती हो ना? ते कुछ बोलो। क्यों ते क्या हो गया, बोलो जल्दी। ते ते बेटा ते बोल दो प्यार करती हो। ते बोल दो जल्दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह तुम कितनी क्यूट हो। आई लव यू। तो फिर क्या, जब दुल्हा दुल्हन हो राजी तो फिर क्या करेंगे आपका हाजी? सारे लोग रेडी थे और मंडप भी, तो कर दी दोनों ने शादी। मैंने तो शायरी बोली और जाते जाते कमेंट में मेरी शायरी की तारीफ करते जाना।